नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। अगर आपका बजट कम है, आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, आप एक गरीब परिवार से हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली आकर के यूपीएससी की तैयारी करें, तो ये कमरा बिल्कुल आपके लिए है जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ। और ये है मुखर्जी नगर के पास गोपालपुर में। इसका रेंट है 3,500 रुपये और बिजली का बिल अलग से है। कमरा अभी आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह विदाउट ब्रोकर के आपको मिल जाएगा। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि कुछ ब्रोकर जो वीडियो बना रहे हैं और आप लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे हो उनका लिंक शेयर करके कि भैया इसने मेरे से 2,000 रुपये ले लिए, 1,500 ले लिए, रूम भी नहीं मिला और रूम दिलाने से पहले मेरे से पैसे मांग रहा है गोपालपुर में, तो आप उन लोगों से बच के रहें। आप पहले बिल्कुल भी पैसे ना दें जब तक अगर आपकी मकान मालिक से या पीजी के ओनर से बात नहीं होती है, तो क्योंकि आपके पैसे लूट भी सकते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। रूम आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 बेड यहाँ पे रखे हुए हैं, यानी कि आपको बेड भी नहीं खरीदने, इसमें आपको बेड भी मिल जाता है। यहाँ पे सामान रखने के लिए अलमारियाँ भी हैं 3-4, और इसमें पहले कोई स्टूडेंट रहते थे जो अभी अपने घर चले गए हैं। ऊपर एक फ़ैन भी है गर्मियों के लिए। रूम की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले कोई यूपीएससी एस्पिरेंट रहते थे, उन्होंने ये राजनैतिक मानचित्र भारत का वो लगाया हुआ है। और यहाँ पे कलाम साहब हैं जिनका इतिहास में काफ़ी बड़ा नाम है, काम भी काफ़ी बड़ा है, इनको कोई हमेशा भूल ही नहीं पाएगा। भारत इतिहास के पन्नों में भी इनका नाम है, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और फिर इधर आप देखोगे इसमें एक लाइट लगी हुई है, और यहाँ पे जो हमारे घर में अक्सर हमारे देवी देवताओं के पिक्चर होते हैं वो यहाँ पे हैं। जय श्री राम ऊपर लिखा हुआ है और इनको कौन नहीं जानता, हनुमान जी हैं। इधर गेट है दोस्तों, आप देखेंगे तो। और यहाँ पे और भी कमरे हैं जिनमें कई सारे दोस्त रहते हैं जो पहले रहते थे, उनका मास्क भी यहाँ पे टंगा हुआ है। मास्क इधर ही आपका बोर्ड वगैरह है, और एक यहाँ पे बिंडी, और यहाँ पे एक विंडो है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो पीजी से बड़ा ये रूम है, अगर आप दो दोस्त रहना चाहते हैं मिलकर के तो भी आप रह सकते हैं, तो आपका किराया थोड़ा बढ़ जाएगा, 4,500 हो जाएगा। ये गोपालपुर में ये रूम है, आप ब्रोकर से बचें। और कहीं ना कहीं अगर आपको सस्ता रूम लेना है तो आप गोपालपुर में आइए, ढूंढने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट मकान मालिक से बात करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपको मिल जाए। क्योंकि गोपालपुर क्या है, गांव की तरह है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा होगा, तो ये रूम तो आपको साफ़ सुथरे और अच्छे दिखते हैं, लेकिन आप गलियां नहीं देख पाते। गलियां क्या है, कई बार थोड़ा सा बाहर से आप आते हैं तो शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि एक गांव जैसा एरिया है। ये रूम उनको ही अच्छा लगेगा जिनके जेब में कम पैसे हैं, जिनका बजट कम है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके लिए ये रूम बिल्कुल भी नहीं है। और ये रूम केवल लड़कों के लिए है, गोपालपुर में है। तो आपको ये रूम कैसे मिलेगा और आप यहाँ पर कैसे पहुँचोगे, तो यहाँ पर एक भाई रहते हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की है आपकी। उन्होंने ही मुझे ये बताया है कि ये रूम यहाँ पर खाली है, शिवम भाई इसका वीडियो बना दो ताकि किसी बच्चे का भला हो जाए। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई रूम खाली है तो आप हमें बताइए, हम उसका वीडियो बना देंगे, किसी दोस्त की मदद हो जाएगी। तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ जो यहाँ पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ब्रोकर से बच जाओगे और उनसे कॉल करके इस रूम में पहुँच पाओगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल आप बहुत ज़्यादा करेंगे जिनसे उनकी बात हो जाए वो यहाँ पर आ जाएँ। और फिर हम आपसे मिलेंगे यहाँ पर। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।